आज हम आए हैं केले के खेत में और आप जैसा कि देख सकते हैं इस खेत में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। जलवायु परिवर्तन की वजह से और बारिश की अतिवृष्टि और अनावृष्टि, जो अचानक बारिश हो जाती है और कभी कभी जो सूखे की स्थिति हो जाती है, उसकी वजह से केले की खेती पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि केले की खेती की चुनौतियाँ क्या है, केला हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, न सिर्फ एक खेती के रूप में बल्कि एक फल के रूप में क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद ये समझेंगे कि ऐसी बाढ़ की स्थिति और जल भराव की स्थिति से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और सबसे अंत में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो जलवायु परिवर्तन आज हो रहा है और उसकी वजह से जो तमाम फसलें बर्बाद हो रही हैं और इस विशेष रिपोर्ट में जो केले की फसल बर्बाद हुई है, उससे बचने का तरीका क्या हो सकता है, आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात शुरू करते हैं केले के इम्पोर्टेंस से, केले का महत्व क्या है एक फसल के रूप में और एक फल के रूप में। तो केला जो फल है इसको माना जाता है हैप्पी फ्रूट कहा जाता है, मतलब हंसाने वाला फल। इसमें वही तत्व पाए जाते हैं जो आपके दिमाग को खुश रखते हैं, यहाँ तक कि केले को ब्लड प्रेशर में भी और जो रक्तचाप की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की, उसमें भी सहायक माना जाता है। केला खाने से दिमाग शांत रहता है और आदमी का जो दिमाग है वो हंसमुख रहता है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें बाकी चीज़ों में, तो केला चिप्स वगैरह की इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसके अलावा सब्जियों में यूज होता है। एक ज़माने में दक्षिण भारत में मुख्यतः इसकी खेती होती थी, लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले का वीडियो है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इस समय, और इसके अलावा गुजरात में और बाकी देश के हिस्सों में भी केले की खेती बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। इसकी वजह एक ये है कि केला जो है ये कच्चा भी बेचा जा सकता है और पकाकर भी इसे बेचा जा सकता है, और कोरोना का समय है ये, और कोरोना के समय में ये फसल जो है पूरी तरीके से यहाँ पे बर्बाद हो गई है। कई यहाँ पे खरीदार इन्हें नहीं मिले हैं, बात करने पे ये भी पता चला। तो पहली बात तो ये कि केला हमारे लिए ज़रूरी कैसे है वो हमने बताया, अब जानते हैं कि केले की खेती होती कैसे है। तो केला जो है वो बीज के रूप में बोया जाता है, चारों तरफ इसकी अच्छे से ताराबंदी करके, और इसे बुआई होती है। 14 महीने की कुल खेती होती है, और यहाँ पे जो लोग खेती करते हैं उन्होंने बताया कि 1 बीघे में, 1 बीघे का मतलब यहाँ पे 20 कट्ठा, और 20 कट्ठा को अगर आप स्क्वायर फुट में समझना चाहें तो 1 कट्ठे में होता है 1361 स्क्वायर फुट। तो 1 बीघे का जो खर्च होता है केले का कुल बुआई का, वो होता है एक साल का 80,000 रुपये। और केले की जो खेती होती है वो 3 से 4 सालों तक, एक बार अगर आपने बीज लगा दिया तो 14 महीने बाद पहली फसल मिलेगी, और उसके बाद 3, 4, 5 सालों तक वो फसल मिलती रहेगी। अच्छा, दूसरी बात ये बताया लोगों ने यहाँ पे कि 1 साल में जो लागत मूल्य है वो पूरा वापस आ जाता है, जो 80,000 रुपये पर बीघे या 20 कट्ठे का है, और दूसरे साल से मुनाफा होना शुरू हो जाता है। तो ये थी केले की खेती की एक जानकारी, ठोस जानकारी मोटा मोटी जो है। और केला जो है कच्चा भी बेचा जाता है, हमने पहले भी बताया, और पका हुआ भी बेचा जाता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग की यूनिट अगर हो, केले को प्रोसेस कर दिया जाए, जैसे कि उसे चिप्स के रूप में बेचा जाए, अचार के रूप में बेचा जाए, या और कोई चीज़ बना करके बेचा जाए उसका, तो वो ज़्यादा महंगा बिकता है और वो एक तरीके से कृषि प्रोडक्ट हो जाता है और उस पर लाभ अच्छा कमाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इससे खेती से जुड़ी हुई जो चुनौतियाँ हैं वो क्या है। तो केले की जो खेती होती है वो दोमट मिट्टी में होती है, और ये जो खेत होना चाहिए वो उचास वाली जगह पे होना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पानी न जमा हो, जल भराव की दिक्कत न हो, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा महीने में इसे 3 से 4 बार सिंचाई भी करनी पड़ती है, तो अच्छे पानी की भी ज़रूरत होती है। अब इधर के इलाके में हम देखेंगे, खेत के दूसरे हिस्से में, यहाँ पे पानी नहीं लगा हुआ है क्योंकि ये उचास वाला इलाका है और यहाँ पे फसल अच्छी हुई है। अगर पानी लगता है तो केले की जो फसल है उसकी जड़ें खराब हो जाती हैं और जड़ें सड़ के पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। आप देखिए कि हम बिल्कुल खेत के अंदर आ गए हैं, और जलवायु परिवर्तन की वजह से अचानक जो बेमौसम, एक तो बरसात होती है और कभी कभी बरसात होती ही नहीं है, तो
तो उसकी वजह से जो है इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा जो अगर आप गांव में बात करेंगे तो यहाँ पे जल भराव की दिक्कत इसलिए भी आ रही है क्योंकि हुआ ये है कि ईंटों की ज़बरदस्त मांग बढ़ी है जो ब्रिक्स होती हैं, और ब्रिक्स की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ने की वजह से ईंट भट्ठे जहाँ पे हमने शूटिंग किया वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में खुले हुए हैं। उसकी वजह से जो ऊपरी परत है ज़मीन की वो लोग काटते हैं और उसे ईंटें बनाते हैं, उसकी वजह से गड्ढे होते हैं। और गड्ढे होने की वजह से क्या होता है कि वाटर का जो नेचुरल फ्लो है और ज़मीन का जो नेचुरल टोपोग्राफी है, इंक्लिनेशन है, टोपोग्राफी है ज़मीन की, वो प्रभावित हो जाती है। और उसके प्रभावित होने की वजह से बारिश का पानी जिधर जाना चाहिए उधर नहीं जाता है, जिधर नहीं जाना चाहिए उधर चला जाता है। तो ये देखिए इसके नीचे जो है बांस का खंभा लगा करके इसे रोका गया है, अन्यथा ये गिर जाएगा नीचे। तो ये छोटी मोटी जानकारियां हैं, ये ऊंचास जगह पे होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे लोग ट्यूबवेल का भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक देखिए आप केला लेकर के ये आ रहे हैं और यहाँ से ये केला शहर की तरफ चला जाएगा। और इस साल लगभग जैसा कि इस केले के खेत के मालिक ने हमें बताया कि इनकी आधी फसल जो है बर्बाद हो गई पानी की अधिकता की वजह से, पानी के भराव की वजह से। कई बार क्या होता है कि पानी की कमी की वजह से ऐसा हो जाता है। ये जो आपको पत्ते दिख रहे हैं काले पड़े हुए, ये पानी की वजह से ही हुआ है। इसके जड़ों में फिर रोग लग जाता है और उसकी वजह से ये सारे पत्ते खराब हो जाते हैं। इसकी वजह से होता यह है कि अब मैं इसके जो व्यवहारिक पहलू हैं जो मैंने बताया कि हमारे को ये कैसे अफेक्ट कर सकता है। एक केले की अगर फसल खराब होती है और पूरे के पूरे बाग खराब होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा भी जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए एक सस्ता और सस्टेनेबल फ्रूट है और बहुत सस्ते दरों पे मिल जाता है छोटे शहरों में, या बड़े शहरों में भी बहुत सारे लोगों के लिए एक सस्टेनेबल फ्रूट है। तो अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसकी कमी में गिरावट आती है केले की जो उत्पादन है, तो उसकी वजह से ये देखिए इसकी जड़ें खराब हो गई हैं और गिर भी गए हैं बहुत सारे पौधे, तो खाद्य सुरक्षा को भी ये प्रभावित कर सकता है। तो ये थी हमारी केले पर ग्राउंड रिपोर्ट, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप भी केले की खेती के बारे में कुछ नया जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।